भाई सलामत दिन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शहर में आए दिन वाहन जलने की खबरें सामने आती हैं। कभी सड़कों पर चलते हुए वाहन में आग लग जाती है, तो कभी कोई पार्किंग में खड़ी हुई वाहनों में आग लगा देता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है ठाणे के वागले स्टेट से, जहां एक अजय रमेश बुबक ने अपने चचेरे भाई सुभाष फूलचंद बुबक की बाइक में आग लगा दी, जिसकी वजह से पास में खड़े 4 ऑटो रिक्शा और 4 बाइक भी जलकर राख हो गए। दरअसल बाइक अजय रमेश बुबक के भाई के नाम पर थी और बाइक का जो किस्त था वो सुभाष फूलचंद बुबक भरता था। 13 जनवरी को अजय ने कहीं जाने के लिए बाइक की मांग की, मगर सुभाष ने देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अजय को गुस्सा आ गया और उसने 14 जनवरी करीब 3 बजे बाइक पार्किंग में खड़ी थी, अजय ने पेट्रोल टंकी से पाइप निकालकर आग लगा दी, जिसकी चपेट में आसपास के वाहन भी आ गए और सब कुछ जलकर राख हो गया, जिसकी शिकायत सुभाष ने श्रीनगर पुलिस स्टेशन में की। आरोपी घटना के बाद से फरार था, मगर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली और पुलिस ने उसी दिन यानी 14 जनवरी रात 9:35 पर ठाणे वागले स्टेट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी अजय रमेश बुबक के खिलाफ IPC की धारा 435, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।